हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास ट्वेल्थ की जो एम सीरीज़ है तो ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों आपका लोडोसिस डिफॉर्मिटी इज तो लोडोसिस डिफॉर्मिटी हमारी बेसिकली बच्चों स्पाइन की डिफॉर्मिटी होती है इसमें क्या होता है आपका जो लोअर स्पाइन रहती है उसमें आपका कर्व बन जाता है और आपका जो पेट होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है तो इसमें ऑप्शन आपने देख लिए होंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एग्रीवेटेड लोअर कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन क्वेश्चन नंबर टू है आपका डिफॉर्मिटी ऑफ द लेग्स इज नॉन एज स्कॉलिस लोडोसिस नॉकनी और काइफोसिस तो बच्चों इसमें से आपके लिए दो बेनिफिट हैं कि एक तो आपको डिफॉर्मिटी पता चल जाएगी लेग्स की कौन सी है और बाकी जो तीनों डिफॉर्मिटी हैं वो हमारी एक ही चीज़ से रिलेटेड है जो कि है हमारी स्पाइन तो स्कोलोसिस लोडोसिस और काइफोसिस हमारी स्पाइन की डिफॉर्मिटी है और जो नोकनी है यानी कि ऑप्शन नंबर सी वो आपकी लेग्स की डिफॉर्मिटी है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री अ पोस्टरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू मसल्स शोल्डर लेग्स और स्पाइन तो अभी मैंने पीछे आपको बताया स्कॉलोसिस किससे रिलेटेड है आपकी स्पाइन से ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रिक्वेंट मैंसुरेशन इज नॉन एज बार बार जो मैंसुरेशन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पॉलीमेनोरा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका इफ़ द मेंसुरेशन साइकिल डज नॉट बिगिन एट प्योबी द कंडीशन इज कॉल्ड प्राइमरी एमेनोरा, सेकेंडरी एमेनोरा पॉलीमेनोरा या फिर डायसमेनोरा तो बच्चे जब प्योबी एज में आपकी मेंसुरेशन नहीं स्टार्ट होते उसे क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी एमनोरा तो ये एमेनोराज क्या है और इसका क्या साइकिल होता है इसे अच्छे से समझने के लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हो क्योंकि अभी मैंने समझाया तो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी तो इसलिए आप जाकर वीडियो देख लीजिए अभी हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स वीकिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन इज़ एमेनोरा नर्वोसा, ऑस्ट्रोप्रोसिस या फिर लोडोसिस तो जब हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं उसकी डेंसिटी कम होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं ऑस्ट्रोप्रोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सेवन फीमेल एथलीट ट्राइट इज अन्ड्रोम करेक्टराइज बायेनोरा ईटिंग डिसऑर्डर ऑस्ट्रोप्रोसिस या फिर ऑल ऑफ अबव तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट इन विच ऑफ एनरोक्सिया डज इज इंडिविजुअल लॉस वेट बाय टेकिंग लेक्सेटिव और डायरेटिक्स ब्लूमिया नर्वोसा पर्जिंग टाइप या फिर रिस्ट्रिक्टिंग टाइप और या फिर एनरोक्सिया नर्वोसा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनरोक्सिया नर्वोसा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्शन इज इट स्कोलेसिस का लोडोसिस या फिर नन ऑफ अब तो जिसमें आपका पीछे से हल्का सा कर्व बन जाता है अपर बैक में उसे क्या कहते हैं काइफोसिस हिंदी में उसे हम लोग कुब के नाम से जानते हैं जब मम्मा पापा कहते हैं ना सीधे बैठो कुब निकल जाएगा तो उसे हम काइफोसिस कहते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेंथ द गैप बिटवीन योर सेवेंटीन ईयर ओल्ड फ्रेंड्स नीज इज इंक्रीजिंग विच ऑफ द प्रॉब्लम इज ही सफरिंग फ्रॉम नोकनीज फ्लैट फुट लेग या फिर राउंड शोल्डर तो बच्चों जब हमारे घुटनों का गैप बढ़ने लगता है बीच में तो उसे क्या कहते हैं लेग यानी कि ऑप्शन नंबर सी जब हमारे घुटने अंदर की तरफ टकराने लगते हैं एक दूसरे से तो उसे कहते हैं नॉकनीज नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ विन स्पाइनल को टिल्ट फॉरवर्ड विच काइंड ऑफ पोस्टल मेल्प फंक्शन इज इट स्कॉलेसिस काइफोसिस लोडोसिस या फिर राउंड शोल्डर तो पीछे हमने देखा था जब हमारी बैक से हमारा कर्व बनता है तो उसे हम कहते हैं काइफोसिस जब हमारी बॉडी में साइड में एस शेप का कर्व बनता है दैट इज कॉल्ड स्कॉलेसिस बट इसमें हमसे पूछा गया है फॉरवर्ड टिल्ट होता है इट मीन्स इट कॉल्ड्स लोडोसिस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 योर फ्रेंड हैज कांस्टेंट फुट पेन एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग और स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग व्हाट काइंड ऑफ पोश्चर डिसऑर्डर डज ही सफर फ्रॉम फ्लैट फुट काइफोसिस बो लेग या राउंड शोल्डर तो बच्चों इसमें तो वैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूं कि क्वेश्चन क्या है और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा और आंसर भी बहुत ईजी है काइफोसिस अभी हमने देखा अपर बैक की प्रॉब्लम है बोल लैक हमारे नीस की है राउंड शोल्डर हमारे शोल्डर्स की है तो बचा क्या हमारा फ्लैट फुट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लैट फुट क्वेश्चन नंबर थर्टीन फर्स्ट मेंसुरेशन ब्लीडिंग इज कॉल्ड एबनॉर्मल मेंसुरेशन मिनार्च ऑस्टो या फिर एमेनोरा तो इन सब का मतलब अभी मैं पीछे बता चुकी हूं लेकिन अभी इनमें से एक है जिसका मतलब आपको नहीं पता देट इज कॉल्ड मिनार्च तो जो हमारी फर्स्ट मैं ब्लीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं मनार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स लीड्स ऑस्ट्रियोप्रोसेस आयरन आयोडीन सल्फर या फिर कैल्शियम तो किसकी वजह से हमें ऑस्टोप्रोसिस डिफॉर्मिटी होती है तो वो है हमारा कैल्शियम यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड एज राउंड शोल्डर काइफोसिस स्कॉलोसिस और लोडोसिस तो बच्चों इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है पीछे भी अभी मैंने आपको बताया था काइफोसिस में क्या होता है आपका पीछे से हल्का सा कुब निकलने लग जाता है लोडोसिस में आपका पेट आगे की तरफ आ जाता है थोड़ा सा राउंड शोल्डर तो नाम से ही पता चल रहा है तो क्या बचा हमारा स्कॉलोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी इज ऑल्सो नॉन एज पेस प्लानस जेन्यू वेल्गम जेन्यू या फिर नन ऑफ तो फ्लैट फुट को और किस नाम से जाना जाता है पेस प्लानस यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ईटिंग मोर देन यूजल और इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इज अ सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम मात्रा में खाना किस चीज के सिम्टम्स हैं कौन सी प्रॉब्लम के हैं ब्लूमिया नर्वोसा ऑस्टोप्रोसिस या फिर नन ऑफ अबव तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी एनारोक्सिया नर्वोसा जिसमें या तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या तो बहुत ज़्यादा कम खाते हैं नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर एटीन फेलर ऑफ मैंसुरेशन एट रेगुलर इंटरवल्स और लॉस ऑफ ब्लीडिंग इज सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एबनॉर्मल मैंसुरेशन एनोरॉक्सिया नर्वोसा ऑस्टोप्रोसेस या फिर मनार्च अभी मैंने ऊपर बताया था नरॉक्सी नर्वोसा क्या होता है जिसमें या तो हम बहुत कम खाते हैं या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं ऑस्टोप्रोसिस आपकी हड्डियों की बीमारी है तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है कि जब हमारे जो मेंसुरेशन होते हैं गर्ल्स के वो बराबर टाइम पर नहीं होते या उसमें ब्लीडिंग कम होती है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है इनमें से तो वो है हमारी अबनॉर्मल मैंसुरेशन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो इसमें आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है तो जैसे कि राउंड शोल्डर मिनार्चे ये सब दे रखा है आपके सामने तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ गए हैं कि इनका क्या सही आंसर हो सकता है तो आपको जैसे मैं पहले भी मैंने उसमें बताया था एमसीक्यू में कि पहले चेक कर लो कि इनमें से आपको क्या क्या पता है जैसे राउंड शोल्डर क्या है आपका पोस्टर डिफॉर्मिटी वैसे मिनार्चे क्या होता है हमारा फर्स्ट मैंसुरेशन ब्लीडिंग तो इसी तरह से इनमें से जो जो आपको पता है आप चेक कर लो तो अब मैं समझाने लगूंगी बताने लगूंगी टाइम खिंच जाएगा तो इसका सही आंसर देखते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो आपके सामने ऑप्शन है वो आप देख कर क्रॉस कर लीजिए कि किसका क्या सही मैच है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो कि एजर्शन और रीज़न का है तो इसमें ये एजर्शन दे रखी है जैसे कि कि जो राउंड शोल्डर्स होते हैं वो एक अननेचुरल पोस्चर है आपका जिसमें आपकी जो अपर बैक होता है उसमें आपकी कर्व बन जाता है और इसका रीज़न जो दे रखा है ड्यू टू पोस्चर डिफॉर्मिटी द नॉक नीज या नी नॉक्स जिसे हम बोलते हैं विद ईच अदर तो ये दोनों अपनी जगह सही है लेकिन जो आर है यानी कि रीज़न है वो एजर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर दोनों ट्रू हैं बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारी ए की सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए एम सी सीरीज़ रेगुलर आएंगी थैंक यू